जय कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Rama 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 Rama
ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपी सह गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्द नमस्ते चरणारविन्दम्। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बरासे हे रूप दुर्गत जनै दयावलोकै हे भट्ट युग्म सुमतिर रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मतिर दयांगभरा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरि कृष्ण हरि 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 राम 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 हरि हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोदर सदय श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल्ले हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कैसे जगाई माधाई को उन्होंने उद्धार किया है। माधाई ने महाप्रभु का सर पर मटकी मार करके फोड़ दिए। जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु का पता चला महाप्रभु भागते भागते आए और नित्यानंद प्रभु का सर से खून की धार बह रहा था, जिसको देख करके महाप्रभु को बड़ा क्रोध आया और उनने चक्र चक्र बोल करके उन्होंने चक्र का आह्वान किया। जब आह्वान किया सचमुच से देखे ये सुदर्शन चक्र आ गया। इसको देख करके जगाई माधाई कांप उठे। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु हरि बोले बल प्रभु ये माधाई तुम्हारा लेकिन जो जगाई है इसने रोका था। तो बोले जगाई ने रोका था नित्यानंद प्रभु को मारने पर? बोले हाँ महाप्रभु ने श्री जगाई के ऊपर में कृपा किया। जब कृपा की इतने में माधाई बोले बल प्रभु हम दोनों एक कठे में रहे, सारे पाप हम एक कठे में किए हैं, अब एक को उद्धार कर रहे हो, मेरे को उद्धार नहीं कर रहे हो। अब तो बड़े बड़े पापियों को भी उद्धार किया रामावतारे हैं, रामावतार में रावण को उद्धार किया, मेघनाद को उद्धार किया, मेघनाद भी तो आपको नागफास बंधन में बांध दिया था कि नहीं,
बांधा था कि नहीं? बांध दिया था। जब नाग फांस बंधन में बांध दिया तभी आपको उद्धार किया। और श्री हैं कहते श्री मेघनाद ने लक्ष्मण को ऊपर शक्तिशाली किया था कि नहीं? शक्तिशाली किया था, अब उसको भी उद्धार किया। और कौन कौन पता नहीं क्या कि आपको ऊपर में कितने अत्याचार किया है तब भी आपने उद्धार किया। कृष्ण अवतार में कंस आपको मारने के लिए पुतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, शकटासुर और उनने कितने राक्षसों उन्होंने नहीं भेजा, अब उनको तो उद्धार किया था कि नहीं? कहते आप इतने बड़े बड़े पापियों को जब उद्धार किया है फिर मेरे ऊपर में क्यों कृपा नहीं करते हो, मेरे ऊपर में क्यों उद्धार, मेरे को क्यों उद्धार नहीं करते हो? इतने में महाप्रभु एक महत्वपूर्ण बात बताए, बोले देखो कहते आमा हरिते यही नित्यानंद देह बड़ो तोर स्थान यही सत्य कैला मदड़। कहते मैंने जो उन लोगों को उद्धार किया था उन लोगों ने तो अपराध किया है, है? भगवान को ऊपर में नागपाश उन्होंने बांधे, उन्होंने लक्ष्मण को ऊपर में शक्तिशाली किया इसलिए उनको जान से मार दिया, जान से मार दिया। कृष्ण अवतार में अपराध किया है लेकिन करने पर भी उनका अपराध माफ जो किया है, माफ तो किया है लेकिन इसलिए मैं तुमको माफ नहीं कर सकता हूँ। कारण है कहते जो नित्यानंद प्रभु का जो शरीर है, कहते हैं कहते ये मेरे शरीर से भी नित्यानंद प्रभु का शरीर श्रेष्ठ है, बड़ा है। ये बात मैं तेरे को दृढ़ पूर्वक बता रहा हूँ, हैं? इसलिए जो नित्यानंद प्रभु को पर अत्याचार करता है वो मेरे से भी ज्यादा अपराध उसका है, सजा उसका अपराध पाप ज्यादा है, मैं तुमको दृढ़ पूर्वक कहता हूँ। इसलिए तुमने श्री नित्यानंद प्रभु प्रहार किया इसलिए तेरा अपराध माफ योग्य नहीं। लेकिन इतने में नित्यानंद प्रभु इतने दयालु नित्यानंद प्रभु, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने कहा प्रभु अगर इसका कोई अपराध हुआ है आपका चरण में नहीं तो मेरे चरण में ना, मैंने ये अपराध से उनको मुक्त कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, फिर आप इनको ऊपर में कृपा कर दो। और नित्यानंद प्रभु लास्ट में बताए मेरे जितने पुण्य है ना मेरे सारे पुण्य मैं इसको देता हूँ, मेरे सारे सुकृति ये माधाई को देता हूँ, इसलिए प्रभु इनको उद्धार कर दो। इतने में जो उन्होंने इतना बात बोले ना तो महाप्रभु का हृदय द्रवित तो हो गया। महाप्रभु बोले अभी नित्यानंद प्रभु का चरण में तो माफी मांगो। फिर श्री माधाई जब नित्यानंद प्रभु चरण में माफी मांगे, नित्यानंद प्रभु सारे अपराध से मुक्त कर दिया, महाप्रभु माधाई के ऊपर में भी उन्होंने कृपा की है। बोले माधाई देखे नित्यानंदे प्रवेशिला सर्व शक्ति समन्वित माधाई हैला। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, माधाई का शरीर में सारे शक्तियों को प्रवेश करा दिया हैं? इसलिए और सर्व शक्ति ने तो माधाई होइला, माधाई सर्व शक्ति संपन्न माधाई हो गया। जब माधाई हो गया तब महाप्रभु बोले हैं, बोले और अगर आर यदि ना कर सी सब ताए, और अगर आज से तुम अगर कोई अपराध नहीं करोगे सारे अपराध को मैं ग्रहण करता हूँ। माधाई क्या कहते हैं, बोले आर नर बाप, बोले प्रभु हो गया और हम अपराध नहीं करेंगे हैं, इसलिए कहते सब पाप तक मुक्त हो गया। बोले कोटि कोटि जन्म जो था अच्छे पाप तोर आर यदि ना करीस सब दाए मोर, करोड़ों करोड़ों जन्म का जितने जो पाप है मैं सब पाप ले सकता हूँ अगर आज से कोई पाप तो नहीं करोगे तो इसको भर में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छी बात बता रहे हैं प्रभुपाद। जैसे कृष्ण गीता में बोले ना सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचौ। बोले सारे धर्म छोड़ करके और केवल मेरे शरण में अगर कोई शरणापन्न हो जाए उसका सारे पाप को मैं मुक्त कर दूंगा, कोई चिंता की कोई बात नहीं। और तोर दोहार मुखे मुई करीब आहार, महाप्रभु क्या कह रहे हैं, दोनों तुम दोनों को मुंह से मैं स्वयं आहार करूंगा, तोर देह हैवे के मोर अवतार, तुम्हारे शरीर में मेरा अवतार हो जाएगा। मतलब महाप्रभु इतना बड़ी बात कहते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं
कहते भक्ति उन्मुख भक्त जड़े उदासीन होकर के कृष्णार्थ अखिल चेष्टा परायण होते हैं। कहते कृष्ण भक्ति में जो उन्मुख जो व्यक्ति है उनका स्वभाव क्या है, बोले उनका स्वभाव है जड़ वस्तु में उदासीन होकर के उनका जितने सारे चेष्टा है किस लिए, भगवान की गुरु वैष्णव सेवा, भगवान की सेवा के लिए उनके सारे चेष्टा केवल गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में जब कोई व्यक्ति लगा देता है उसको क्या होता है, उसको पाप और जो पुण्य है उनको और नहीं रहता है, इसलिए पाप नहीं रहता उसको पुण्य नहीं रह जाता है। क्यों, संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में समर्पित हो और 24 घंटा में 24 घंटा भगवान का नाम कीर्तन भजन पूजा करता है, भक्ति करता है। कहते जब वो व्यक्ति आत्मसमर्पण करता है कहते उनको सचिदानंदमय अनुभूति सेवा करे, उसको है कहते उसको हृदय में सात चीत और जो आनंद का प्रवृत्ति उसको हृदय में परिस्फुट होता है और उसको स्वरूप उपलब्धि है, उसका अपना स्वरूप की उपलब्धि होने पर वो भजन निद्रा आहार विहार हर समय क्या करता है, बोले कहते सब कृष्ण सेवा पर संपूर्ण रूप में अपना जीवन को कृष्ण सेवा में लगा देता है। यानी पर क्या होता है, उसको जब कोई साधक ऐसे अपना जीवन को करता है बोले उसी समय में कहते उसका जो करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पाप है वो सब के सब नष्ट हो जाता है उसको, इसलिए कहते ना इसलिए श्रद्धा अवस्था में है केवल जिस समय उसको श्रद्धा और साधन अवस्था में क्या होता है पाप बीज कूट प्रारब्ध अप्रारब्ध ये सब के सब साधन अवस्था में नष्ट हो जाता है, ये सारे को सारे उसको नष्ट हो जाता है। इसलिए कहते हैं उसका सब कुछ संचित पाप कुभोग सब के सब उसकी नष्ट हो जाता है। कहते जो माया है कहते अपना जो पराक्रम को प्रभाव को और वहां नहीं दिखा सकता है क्योंकि समर्पित भक्त रे पाप पुण्य प्रसन्न नहीं, इसलिए जो समर्पित भक्त हैं उनको पाप पुण्य रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु क्या कह रहे हैं कहते आर यदि ना कर इसे शब्दाए, और अगर आज से अगर कुछ नहीं करोगे आज से अगर तुम कुछ नहीं करोगे ये सारे पाप को मैं स्वयं ग्रहण कर लूंगा है स्वयं मैं ग्रहण कर लूंगा। इसलिए यहाँ पर इतने महिमा यहाँ पर प्रभुपाद कहते इतने, इसलिए महाप्रभु क्या कहते सब पाप आज से मैं ग्रहण कर लेता हूँ। इसलिए कहते भक्तस्य रसना ग्रेन रसमस्नाम पद्मज, ये हरि भक्ति विलास में कहते हैं महाप्रभु कह रहे हैं ना जब भक्त कोई भोजन करता है मैं स्वयं उसको जीवा का कर मैं स्वयं भोजन करता हूँ, ये हरि भक्ति विलास में ये श्लोक है भक्तस्य रसना ग्रेण रसमस्नाम पद्मज, जो भगवान क्या करते हैं भक्त की रसना के अग्रदेश में कहते रसमस्नामी रस को ग्रहण करते हैं, जब भक्त भोजन करता है भगवान अपने आप भोजन कर लेते हैं अपने आप भोजन कर लेते हैं। इसलिए भक्त संतुष्ट हो जाने पर भगवान अपने आप संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि भक्त का हृदय में भगवान का निवास होता है। महाप्रभु कह रहे हैं बोले देखो तुम दोनों को लेकर के मैं क्या करूंगा सर्वत्र ये कृष्ण कीर्तन करूंगा और कीर्तन करके पूरा दुनिया को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव जिस प्रेम के लिए तरसते हैं कहते वो प्रेम को मैं सारा दुनिया को प्रदान करूंगा तुम दोनों को लेकर के। और जैसे तुम्हारी पर्स में लोग क्या करते थे वो पिया करते है ना शराब पीते थे, अगर इनका स्पर्श हो जाता था छाया स्पर्श करते थे बोले हमारा पाप हो गया भैया चलो गंगा में स्नान करके आते हैं, लेकिन मैं तुम दोनों को क्या करूंगा बोले तुम्हारी दर्शन मात्र से ही लोगों का क्या होगा गंगा स्नान करने का फल मिलेगा, दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण गंगार परस हैले पश्चात पावन दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुण। इसलिए महाप्रभु समस्त भक्त देर के हैं हैं समस्त भक्त देर के कीर्तन महाप्रभु ने किया और उन्होंने जगाई माधाई को बोले तुम लोग दोनों में स्तुति करो, बोले प्रभु मूर्खवाद जिंदगी भर मांस मछली सरा और यही खा पी कर जीवन कटाया आप कह रहे स्तुति करो है अब हम स्तुति कैसे कर सकते हैं,
बोले तुम जो कुछ बोलोगे मेरी स्तुति होगी, क्योंकि जब महाप्रभु आदेश दिया ना, कहते उनको जीवा में ये सुधा सरस्वती का निवास हो गया। जो सुधा सरस्वती निवास हो गया, फिर तो जगाई माधाई ने महाप्रभु को स्तुति करते हैं, बोले जय जय महाप्रभु, जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, कोटि ब्रह्मावधि जदि तव नाम लय, मतम सत्य मोक्ष पद तार वेदे सत्य कह। स्तुति कर रहे हैं, बोले जय जय महाप्रभु, जय विश्वंभर, जय जय नित्यानंद विश्वंभर धर, कोटि ब्रह्मावधि जदि तव नाम लय। यहाँ पर कह रहे हैं, अगर करोड़ों ब्राह्मण को अगर कोई वध करके तुम्हारा नाम को कोई ग्रहण करता है ना, कहते सत्य मुख्य पदतार वेद सत्य कहे, भगवान का नाम लेने का साथ साथ उसी समय में ही क्या होता है, उसको सारे पाप से मुक्ति हो जाता है। कहते वेद सत्य कहे, कहते ये वेद में बताया है, हैं वेद में बताया। कहते ये यहाँ पर श्लोकों को उदाहरण देते हैं, बोले ब्रह्मा प्रतिहा ग्रोधनो मात्रिया चर्जहा भगवान स्वाद पुक्क सक भापी सुधरायन जस कीर्तनात्। बोले जिनका कीर्तन करने का साथ साथ क्या होता है, बोले पुक्क सक मतलब जो चंडाल है, हैं चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस को जो खाने वाले स्वपच चंडाल। अगर चंडाल क्यों नहीं हो, अगर कोई भगवान का कीर्तन कर ग्रहण करता है क्या होता है उसका, ब्रह्म अगर कभी ब्रह्म हत्या किया, पितृहा अगर कभी पिता की हत्या की, कभी गो हत्या की, कभी मातृ हत्या की, कभी उनने चौर्य किया है, हैं इसलिए जितना सारे पाप किया भगवान का नाम मात्र से ही क्या होता है उसको सारे पाप से मुक्ति मिल जाती है। इतना महिमा भगवान का नाम में, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते जो श्लोक है, कहते ये भागवत का श्लोक है, और एक श्लोक कहते पद्मतर से और एक श्लोक को उदाहरण देते हैं, बोले ब्रह्मा हे मधारिवा बालहा गोधन एवच मुच्यते नाम मात्रेण प्रसादात केशवस्यतु। यहाँ पर भी बताया, अगर कोई ब्रह्म हत्या हो, कोई अगर स्वर्ण को चोरी करने वाले हो, कोई बाल हत्या हो, को हत्या अगर कोई करता है, बोले मुच्यते नाम मात्रेण, भगवान का नाम ग्रहण करने का साथ साथ भगवान की कृपा से प्रसादात केशव से, तो भगवान केशव की कृपा से क्या होता है उसको सारे पाप से मुक्ति हो जाती है। इसलिए पुराण में तो बहुत बहुत शास्त्र में बहुत श्लोक बताए, बोले गोकटिदाने ग्रहण खगस्य प्रयाग गंगो दके कल्पवास। यहाँ पर कह रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति गो कोटी दाने, अगर करोड़ों कोई गैया अगर कोई दान दिया, गो कोटी दाने ग्रहण खगस्य कद प्रयाग 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 गंगो दके कल्पवास, अगर किसी ने प्रयाग, प्रयाग कहाँ कहते हैं जहाँ पर गंगा जमुना सरस्वती का निवास, वहाँ माघ महीना में कल्पवास करते हैं, कल्पवास मतलब माघ महीना पूरा वहीं पर रहते हैं, रोज गंगा में त्रिवेणी में जाकर के स्नान करते हैं और वहीं पर रह करके निष्ठा नियम को साथ में भगवान का नाम, दिन में एक बार भोजन करते हैं, भगवान की कथा भगवान की कथा सुनते हैं, अपना साधन भजन करते हैं, वहाँ पर बड़ी महिमा है। हर माघ महीना में जाओ, मैंने एक साल वहाँ पर मैंने भागवत कथा की थी, प्रयाग में वहीं पर भागवत कथा की थी, अब थे इसलिए कहते हैं प्रयाग गंगो दोके कल्पवास। अगर प्रयाग गंगा को किनारा में त्रिवेणी को वहां पर कल्प
उपवास अगर कितने हजार हजार जन्म तक ग्रहण करे, लेकिन कहते हैं कहते भगवान के नाम को साथ में है, भगवान का नाम को साथ में जितने पुण्य भी कद एक बूंद के साथ में, नाम की महिमा के साथ में उसका कोई भी कल्पवास जो कुछ उसको कभी बराबर नहीं ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए बोले सर्व पाप मोचनम सर्व उपद्रव समनम है, कद जीवन में जितने उपद्रव है जितने पाप है क्या होता है भगवान का नाम से ये सब के सब समाप्त हो जाता है, सब के सब ये समाप्त हो जाता है। इसलिए कहते भगवान के नाम को साथ में, इसलिए बोलते ना जने पूर्व सत जन्म, बोलो जने पूर्व सत जन्म श्लोक याद है, वासुदेव समर्चनम तन्मुखे हरि नाम आनि सदा तिष्ठति भारत। कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरे नाम को कौन ग्रहण कर सकता है, बोले वही ग्रहण कर सकता है जिनने पूर्व जन्म में 100 जन्म तक जिनने एक अनिष्ट पूर्वक ठाकुर का सेवा पूजा किया है, कहते इसी जीवन में है तब भी उसका जीवा में मेरे नाम उच्चारण होता है, इसी जीवन में तभी हर समय वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी इसी जीवन में भगवान का नाम को कोई ग्रहण कर सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रमाण देते हैं, इसलिए महाप्रभु जगाई माता को क्या बोले, केवल क्या करो भगवान की नित्यानंद प्रभु का चरण में माफी मांगो और जीवा में भगवान की केवल नाम उच्चारण करो, और नाम उच्चारण करने पर क्या होगा सब पाप से तुम लोगों का मुक्ति हो जाएगी हैं, जार नाम क्षमा करे सवारी चरण धरे। और क्या करो पहले कुछ कुछ भक्तों को चरण अपराध, किस किस है व्यक्तियों को चरण में अपराध किया, बोले जाओ जिन जिन चरण में अपराध किया है उनका चरण को पकड़ करके माफी मांगो है, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु और जो दूसरे दूसरे भक्त है सबका चरण में जा करके माफी मांगो है, और माफी मांगने पर सारे अपराध से मुक्त कर दूंगा। उन्होंने सबका चरण धर पकड़ करके सब से उन्होंने क्षमा प्रार्थना किया और महाप्रभु ने सर्व पाप को ग्रहण किया। देखो बोले दुई जन शरीरे पातक नहीं आर, इहा बुझाई तो हईल कालिया आकार, प्रभु बोले तुम्हारा आमारे देखो के न, अद्वैत बोले श्री गोकुल चंद्र देना, प्रभु बोले काला देखो दुईर पात के, कीर्तन करह सबे जाओ को निंद के। यहाँ पर महाप्रभु ने साक्षात रूप में दोनों का पाप को उन्होंने ग्रहण किया। देखो बोले दुई जन शरीर पात के नहीं यार, महाप्रभु बोले तुम्हारी सारे पाप को मैंने ग्रहण कर लिया, अभी तुम्हारी दोनों के शरीर में और कोई पाप नहीं है। इसलिए उन्होंने ये चीज को समझाने के लिए उन्होंने क्या किया, महाप्रभु का शरीर क्या हो गया कालिया आकार, महाप्रभु को गोरे हैं, महाप्रभु का शरीर एकदम काला हो गया, महाप्रभु का शरीर काला, क्योंकि दोनों का पाप को महाप्रभु ने ग्रहण किया। इतने में सारे भक्त लोग देख रहे थे ये क्या हो गया, महाप्रभु तो गौर हरी ये काले कैसे हो गए, सारे भक्त देख रहे थे। जब देख रहे थे इतने में महाप्रभु कह रहे हैं भैया क्या बात है तुम लोग मेरे को ऐसे क्यों देख रहे हो, इतने में अद्वैत कह रहे हैं बोले प्रभु आज तो आप जैसे गोकुल चंद्र जना है, कहते गोकुल चंद्र मतलब गोकुल चंद्र कृष्ण, आज तो गोरे से आप काले ऐसे हो गए, काले कैसे हो गए। तो महाप्रभु कहते हैं प्रभु बोले काला देखो दुईर पातक, कहते मैंने ये दोनों का पाप को मैंने ग्रहण कर लिया इसलिए मेरे शरीर ऐसे काला हो गया है, इसलिए क्या करो अगर मुझे काला हो गया ये कालापन जाएगा कैसे, बोले अगर तुम लोगों ने हरि कीर्तन करोगे जगाई माधाई तुम लोग हरि नाम ग्रहण करो हैं, हरि नाम ग्रहण करोगे तो मेरे सारे पाप फेर चला जाएगा हैं। इसलिए क्या किया जब ऐसे बोले, इतने में सबके सब जितने भक्त लोग थे ना सबके सब कीर्तन करने लग गए, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरंग जय निताई गौरंग, निताई गौरांग निताई गौरांग जय निताई गौरांग, निताई गौरांग जय निताई गौरांग, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल 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 हरि बोल। जब सबके सब कीर्तन किया, महाप्रभु जो काला हो गए थे ना, फिर महाप्रभु गौरव वर्ण हो गए, फिर महाप्रभु कह रहे हैं, बोले देखो ध्यान देकर सुनो, कहते देखो आज से और ये जगाई माधाई को उपहास नहीं करना, इनको हसी दिलक नहीं करना और इनकी निंदा नहीं करना, क्योंकि आज से उन्होंने सारे पाप को छोड़ करके मेरे नाम को ग्रहण किया है, अभी भक्त बन गए। यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं अगर इनका कोई निंदा चर्चा करेगा ना, उसका सर्वनाश हो जाएगा। यहाँ शिक्षा देते हैं जो भक्तों का जो पूर्व कथा है ना, नहीं बोलनी चाहिए। जैसे वाल्मीकि पहले कौन थे, दशरथ नकर, लेकिन जब उन्होंने नारद जी की कृपा से जब भक्त बने, फिर उनको कोई दशरथ नकर कहता है नहीं, सब के सब उनको पूजा करते हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। जैसे श्री अजामिल पहले बड़ा दुष्ट था, सारे पाप कर्म किया है, लेकिन जब उन्होंने फिर भगवान की भजन किया, भक्ति कर लिया, देखो उनका नाम भागवत ग्रंथ में आ गया, भागवत ग्रंथ में आया, सारा दुनिया उनकी कथा सुनते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हैं? इसलिए भक्ति में आने का बाद, जैसे श्री बिल्लो मंगल ठाकुर, श्री बिल्लो मंगल हैं, पहले एक वेश्या को प्रति वो आसक्त थे, वेश्या के प्रति आसक्त थे, लेकिन उसने चिंतामणि वेश्या की कृपा से ही, जब उसने ऐसे ठोकर मारी, ऐसे उन्होंने गाली की, बोले तुमने ये जड़ शरीर में जिसमें टाटी पेशाब खून पी, ये शरीर में तुम्हारी जितने आसक्त है और इसी के लिए तुमने सांप का रस्सी मान लिया और तुमने मुर्दा को तुमने लकड़ी मान करके नदी पार करके आ गया, अगर इसका 100 भाग का एक भाग अगर तुम भगवान के चरण में देते तो बेड़ा पार हो जाता। श्री तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जब शादी किए, पत्नी बड़ी सुंदरी प्यारी थी, जब पत्नी पिहर गई, उसने क्या किया, तुलसीदास पीछे पीछे पहुंच गया, हैं फिर पीछे पीछे पहुंच गया, पिहर गई तो थोड़ी समय के लिए पहुंच गया, पत्नी ने बोली ये क्या है, मैं थोड़ी समय के लिए पिहर आया तो मेरे पीछे पीछे फिर भाग कर चला आया, हैं ये जड़ शरीर गंदा शरीर में इतना आसक्ति, अगर ये आसक्ति अगर तो भगवान के चरण में दे देता ना, बस तेरा कल्याण हो जाता। चंडीदास पहले एक धोबिन के प्रति आसक्त थे, हैं धोबिन का प्रति आसक्त थे, लेकिन वो धोबिन की हैं
बाद में उसकी कृपा से फिर उन्हें कितने बड़े भक्त बने, कितने बड़े भक्त बने। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं आज से ये जगाई माधाई को और कोई निंदा चर्चा नहीं करना, क्योंकि ये दोनों ने सारे पाप को छोड़ करके मेरे नाम को ग्रहण किया है। इसलिए अगर कोई भक्त बन जाते हैं पाप को छोड़ करके, कहते उनका पूर्व चरित्र को फिर और हमें दोहराना नहीं चाहिए हैं। इतने में महाप्रभु बोले चलो जगाई माधाई का उद्धार किया, अभी चलो आनंद लेते हैं। बोले क्या? बोले जल क्रीड़ा करेंगे, जैसे हम कभी कभी समुद्र में जाकर स्नान करते हैं ना, इसलिए महाप्रभु बोले चलो हम गंगा में आज गंगा में स्नान करेंगे। महाप्रभु जा कर गंगा में सारे भक्तों को लेकर गंगा में उन्होंने जल विहार किया, और जल विहार करते करते कभी क्या क्या करते हो जानते हो? क्या करते? पानी से जो गांव में रहने वाले पानी को इसे जोर से मारते हैं, एक को दूसरे को मुंह के ऊपर मारते हैं, और महाप्रभु को साथ में सब खेल रहे थे, लेकिन महाप्रभु इतने जोर से पानी को उन्होंने मारते है ना है भक्तों को, महाप्रभु के सामने कोई टिक नहीं पाए, सब महाप्रभु सबको फेल कर दिया। इतने में श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य में लग गया है। इतने में नित्यानंद प्रभु बलदेव है, अद्वैत आचार्य कौन? महाविष्णु है, कहा इनको साथ में टिक सकते हैं है? इसलिए नित्यानंद प्रभु ऐसे उन्होंने पानी मारे, किसको? अद्वैत आचार्य मुंह को ऐसे उन्होंने पानी मारे ना, जब ऐसे करके पानी मारते हो ना बड़ी तेजी से पानी जाता है, और उनका मुंह पानी कर दिया, वो और आंख खोलकर देख नहीं पा रहे थे है, उनको फैल कर दिया। और अद्वैत आचार्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को मीठी मीठी उनको गाली दे रहे थे। क्या गाली दे रहे थे है? बोले देखो ये कहते ये नित्यानंद प्रभु ने मेरे को तो काना कर दिया है, है? कहते काना कर दिया नित्यानंद प्रभु, और ये मद्यपों को साथ में जगाई माधाई को उदाहरण उन्होंने किया, कहते ये मद्यपों को साथ में मिलकर के ये भी मद्यप बन गया है। कहते ये श्रीवास नित्यानंद प्रभु, श्रीवास प्रभु के घर में रहते थे, तो श्रीवास घर में रहते थे, तब यहाँ पर कह रही ये श्रीवास क्यों, ये पागलों को क्यों घर में स्थान दिया है, ये पागलों को इसलिए तरह तरह का नित्यानंद प्रभु को उन्होंने है मीठी 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 उनको गाली दे रहे थे। इतने में अब उन्होंने जब उनको परास्त कर दिया, परास्त करने के बाद नित्यानंद प्रभु कहते एक बार नहीं तीन बार होगा, कोई बात जब तीन बार कोई हार जाए ना तो हारना होता है ना, एक बार तो हराया और एक बार होगा है, तीन बार होने पर तभी तो जीत किसका हार पता चलेगा। फिर दोनों को जल युद्ध हुआ, नित्यानंद प्रभु फिर अद्वैत आचार्य को ऐसे उन्होंने पानी मारे है, इसका मुंह पानी कर दिया, और अद्वैत आचार्य और आंख ही खोल नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने उनको नित्यानंद प्रभु उनको क्या किया, उनको परास्त कर दिया। इतने में इसे बोल जल क्रीड़ा करते हुए हैं, उसको बाद में फिर घर में आए श्रीमन महाप्रभु, आकर के अपना चरण को धो करके महाप्रभु ने क्या किया, स्नान करने के लिए आए, फिर तुलसी में उन्होंने पानी दिया है। इसलिए महाप्रभु से क्या देते हैं, तुलसी में रोज हमें पानी देनी चाहिए, क्योंकि वृंदा अई तुलसी देव पई प्रिया अई के सबसे च कृष्ण भक्ति देवी सत्यवती नमनो, ठीक है ना। इसलिए एक भक्त लो जो तुलसी जितने वृक्ष सब शरीर छोड़ दिए हैं वहां पर तुलसी वृक्ष लगाने का एक दायित्व लो। कभी हमारे गुरु जी के मठ में जाओगे देखोगे ना तुलसी वृक्ष देख करके दंग रह जाओगे, क्या तुलसी पेड़ बनाए हैं। हम गए थे और एक गुरु भाई के पास में, क्या तुलसी देख करके लोभ हो जाएगा, कितने सुंदर तुलसी वृक्ष बनाए। इसलिए कहते जो व्यक्ति तुलसी की सेवा करते हैं, तुलसी वृक्ष को रोपण करते हैं, तुलसी वृक्ष नहीं रोते हैं, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति के बीज को उपते हैं, इसलिए तुलसी आठ तरह से कल्याण करती है। बोले दृष्टवा दर्शन करने पर जीव का कल्याण होता है, पृष्ठवा जब तुलसी को कोई स्पर्श करते हैं, तथा ध्याता जब तुलसी को कोई ध्यान करते हैं, रोपिता जब कोई रोपण करते हैं, नमिता जब उनको तुलसी को कोई प्रणाम करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दिया जलाते हैं, आरती उतारते हैं, इसलिए तुलसी आठ तरह से जीव का कल्याण करती है, ठीक है। इसलिए एक व्यक्ति दायित्व लो हम तुलसी वृक्षों को जाकर क्या करेंगे उसमें अच्छे तरह से उसको करके तुलसी वृक्षों को हम उसमें तुलसी वृक्षों को लगाएंगे, और ऐसे एक जगह पर रखो जैसे हवा
उसमें हवा जैसे नहीं लगे, ठीक है। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, तुलसी वृक्ष में महाप्रभु ने पानी दिया। अभी क्या हुआ, बोले चित्रगुप्त स्थान ने जी क्या सहे प्रभु जम किबा ए दुयर पाप किबा उपसम। इतने में श्री जम महाराज ने आकर के चित्रगुप्त को पूछ रहे हैं, ये दोनों पापियों का क्या हुआ, ये दोनों पापियों का क्या उपसम हुआ, क्या हुआ दोनों पापी जो इतने पाप कर रहे थे। तब श्री चित्रगुप्त कह रहे हैं, इनके पीछे हमने इतना जो परिश्रम किया ना, सब जीरो, हमारा सारी परिश्रम सब कैसे जीरो हो गया, क्योंकि उन्होंने दोनों ने इतने पाप किया था। चित्रगुप्त लीक 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 करके उनका हाथ दर्द हो गया था, और वो चित्रगुप्त लीक लीक करके पूरा घर भर गया था। जब यहाँ पर जो हम कर्म करते हैं, कहते जी काय मन वाक्य से करते हैं, जमदूत सब कुछ देखते हैं, सब कुछ देख कर क्या करते हैं, वो जा करके चित्रगुप्त के पास में जा करके बोलते हैं, हैं? सबके सब चित्रगुप्त मतलब क्या, गुप्त रूप में सारे फटों को जो ले रहा है, इसलिए जा करके सारे पाप वहां बोलते हैं। जब वो पाप बोलते थे, चित्रगुप्त को इतना क्रोध आता था, ले क्या बोलते हो, दो व्यक्ति कभी इतना पाप कर सकते हैं, कभी रोज ऐसे ये पाप किया, रोज ये पाप किया, दूसरे घर में आग लगा दिया, उसको ऐसे किया, कभी इतना पाप कर सकते हैं। वो सोचते थे, हे भगवान, ये दोनों इतना जो पाप कर रहे हैं, कितना काल के लिए नरक में भोगना पड़ेगा, हैं? नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन जब श्रीमान चैतन्य महाप्रभु ये दोनों को उद्धार किए, बोले कितना पाप, या कह रहे हैं लक्ष्य कायस्त, अगर एक महीना तक अगर पढ़ेंगे ना, इतना इनका पाप को कितने 1,00,000 कायस्थ व्यक्ति हैं, अगर एक महीना तक अगर इनका पाप को पढ़ेंगे खत्म नहीं कर सकते, इतना इन्होंने पाप किया। और क्या किया, बोले 1,00,000 कान से इनका अगर कोई पाप को सुनेगा तो 1,00,000 कान से इनके पाप को खत्म नहीं कर सकता, इतने पाप किया हैं, इसलिए इतना पाप किया, इसलिए कभू नहीं देखे जम एम तो महिमा पात की उधार जो तो यही था सीमा। लेकिन इसे चैतन्य महाप्रभु जिस समय वो दोनों को सारे पाप से उधार कर दिया, हैं उधार कर दिया, उसी समय में कह रहे हैं कभू नहीं देखे जम एमत महिमा, बोले हमने बहुत महिमा देखा, लेकिन ऐसे पापी को उधार करते हुए हैं, कर इस चीज को कहते पातक की उधार जो तो यही तार सीमा, जितने पातकियों को भगवान ने कहीं उधार किया है, कदी आज जो जगह माता का उधार किया ये अंतिम छोर है, हैं ऐसे कोई किन्हीं को फिर कृपा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते कभी कदी ये चित्रगुप्त कहता कभी हम लोग रोए भी, ये दोनों का पाप कैसे खत्म होगा। इतने में जब महाराज कौन है, जब महाराज ये स्वयं मूर्तिमान धर्म स्वरूप है, और इन्होंने द्वादश महाजन में एक महाजन है। क्या श्लोक है, तो जब महाराज का नाम कहा है, यहाँ पर जब महाराज का नाम कहा है, इसमें स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनी प्रहलाद जलंग विष्णु बलि कहा, हाँ इसलिए ये जम महाराज हैं, ये कह रहे हैं अपना जम दूतों को, ये जो धर्म को रहस्य जानने वाले हम 12 व्यक्ति हैं, वयम मतलब हम अहम अबाम वयम हम लोग हैं, इसलिए हम लोग हैं, कहते ये हम लोग ये 12 व्यक्ति धर्म तत्व को ये जानने वाले, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो जम महाराज हैं ये धर्म तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए जब से जब महाराज जा रहे थे रथ में बैठ करके महाप्रभु की करुणा को, महाप्रभु को दयाल को उन्होंने जब दर्शन किया, जब महाराज रथ में बेहोश हो गए, वहीं पर सबके वहीं पर जब महाराज बेहोश हो गए, और इतने में इनको देख करके तो चित्रगुप्त तो धर करके रोने लग गए, बोलिए क्या हो गया हैं, और जितने सब देवता लोग जा रहे थे सबका देवता का रथ वहीं पर बंद हो गया, और सारे देवता लोग आकर के हैं बोलिए जब महाराज का क्या हो गया, मूर्छित कैसे हो गए। कहते हैं फिर उनको मूर्छा भंग किया, मूर्छा भंग करके कहते उस समय ब्रह्मा शिवादि कहते वहां पर जितने देवता लोग थे हैं सबके सब महाप्रभु का महिमा को गुणगान कर रहे थे, हैं महिमा को
गुणगान कर रहे थे और सबके सब कद जम अपना परिकरों को साथ में नृत्य कर रहे थे, शिव अपना परिकरों को साथ में नृत्य कर रहे थे, ब्रह्मा ने जो भक्तों को साथ में नाच रहे थे, सुखदेव इंद्र चंद्र सूर्य पवन कुबेर वरुण वायु ये जितने सब के सब, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री मन नित्यानंद प्रभु की है। इसलिए सबके सब ये सब गा रहे थे और जब महाराज मूर्छित हो गए थे उनको कान में जब कृष्ण कीर्तन किया, इतने में श्री जब महाराज चेतनत आए, बोले कृष्ण रे आवे से नाचे सूर्य रे नंदन है और नाचे धर्मराज छाड़ी सकल लाज स्मरिया चैतन्य बोले आदित्य धन्य धन। इसलिए सबके सब भक्त लोग महाप्रभु का नाम कीर्तन को लेकर के सब नाच रहे थे गा रहे थे और सबके सब श्री सचिनंदन गौर हरि की जय जयकार कर रहे थे। बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की, बोले गौरांग बोले ते हवे पोलक शरीर हरि हरि बोले ते नयने बाबे नीरा गौरांग बोले ते हवे पोलक शरीर हरि हरि बोले आर कवि ताई चांदेर करुणा है वे संसार बसना मोर कवि तो चावे कबे सुधा हवे माना कबे हामे राव श्री वृंदावन आरूप रघुनाथ पादे आईवे अकोते कबे आम बोझब से जुगल प्रीति आरूप रघुनाथ पादे आईवे रूप रघुनाथ पदे रहुक मोर आस प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास रूप रघुनाथ पदे प्रभु मोर आस हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। दयालुता दयाल गौ दया सतीन कान गौरहरी, दया बिहारी जय गौरहरी, जया सतीन कान जय गौरहरी, जय बिहारी जय गौरहरी, जया जगन्नाथ जय महादेव, जय जय जगन्नाथ जय बलदेव, सुभद्रा देवी जय सुदर्शन, जय गिरिराजा जय सुवर्धना, जय विंध्यवासिनी जय गिरिराजा जय गोवर्धना, जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा, परंपरा गुरु परंपरा, गुरु परंपरा गुरु परंपरा, परंपरा गुरु सिद्धांत गोस्वामी महाराज की जयंती नारायण गोस्वामी महाराज की जयंती वेदांत बामन गोस्वामी महाराज की जयंती वेदांत प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय सफरीकर गौर हरि की जय आनंद कुटी गौर भक्त वृंद की जय समागत गौर भक्त वृंद की जय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल श्री गुरुदेव जी की जय।